नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड का जो है कापियां जांच होना शुरू हो गया है। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी का जो है रिजल्ट का डेट अनाउंस बहुत ही जल्द होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कापियाँ चेक हो जाएंगी उसके बाद से जो है आपका रिजल्ट का डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या अपडेट है उसके बारे में आप लोग पूरा विस्तार से जान सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल बटन पे क्लिक कर दो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसने सारा प्रश्न हल किया है उसको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको जो है जितने भी क्वेश्चन 12-13 आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अगर आपने 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, भले आपने थोड़ा बहुत गलत भी किया है लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। इस बार की जो नई अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उससे रिलेटेड अगर आप लिख देते हैं, मान लीजिए 6 मार्क्स का अगर वो है या 4 मार्क्स का है, तो उसमें से कम आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। इस बार ये जो है प्रावधान किया गया है। तो आप सभी लोगों से यही मेरा, पहले भी मैंने बताया था कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो जो है पूरे में से पूरे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता जुलता जो है उन लोगों को आंसर देना है। और मैंने बार बार आप लोगों को सचेत भी किया था कि बोर्ड की कॉपियों में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आपको बनाना नहीं है। बहुत सारे लोग हाँसिया बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है उसमें कलाकार करने रखते हैं। इससे जो है एग्जामिनर पर गलत इफेक्ट पड़ेगा और आपकी कॉपी इसको जो है वो काट भी सकता है, कॉपी आपका खराब भी हो सकती है। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। और देखिए, जिन लोगों ने जो है अच्छे से पहले पेज पे पहला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया है, उससे एग्जामिनर को जो है पहले पेज पढ़ने से ही काफ़ी अच्छा आपका जो है पेपर लगेगा और वो पूरे में से पूरे मार्क्स आपको दे देगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉपियाँ जाँच होती है, मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार सभी लोग जो है कापियाँ लगातार यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी पास समय बहुत कम होता है। लगभग कितने बच्चे हैं आप सभी लोग जानते हैं, हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर 1 महीने का समय लगेगा कापियाँ जांच होने में। तो 1 महीने का जो समय लगेगा उसमें भी इन लोगों को कापियाँ लगातार जाँच करनी रहती है, तो ये लोग भी थोड़ा सा बहुत ही तेज कापियाँ जाँच करती हैं। छोटा मोटा अगर आपका मिस्टेक भी है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी टीचरगण जो है वो क्या कर रहे हैं, आपकी कॉपियों की जांच कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लगातार जो है कॉपियों की जांच ऐसे ही होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं के परिणाम पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सब कुछ जो है कार्यक्रम के अनुसार रिजल्ट जो है मई के 3रे सप्ताह में आ सकता है। तो एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है मई के 3रे सप्ताह में आ सकता है और 23 अप्रैल से यानी कल से जो है आप सभी का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना शुरू हो जाएगा। इस बार आपको सभी लोगों को मैंने बता दिया टोटल परीक्षा के लिए कितने आए थे, तो 51,92,689 परीक्षार्थी जो है रजिस्ट्रेशन कराए थे और जिनमें से इतने स्टूडेंट जो है परीक्षार्थी जो है दिए हैं और इतना स्टूडेंट जो है अनुपस्थित रहा है। अब आप देख सकते हैं गाइज, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों का जो है रिजल्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है कि मई के लगभग 3रे सप्ताह में जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और मैंने आपको दिखाया किस तरीके से जो है आप लोगों का जो है कॉपियाँ जाँच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे कॉलेजों में जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूर्ण कराई जा रही, वो भी कब तक होगी, 27 अप्रैल तक जितने भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं वो कंप्लीट कर ली जाएगी, उसके बाद से जो है आप लोग का कॉपियाँ तो जाँच होना स्टार्ट ही हो गया है, उसके बाद आपका रिजल्ट डेट के बारे में भी अनाउंस जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।